You're a superhero. तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीटेक पे। दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो आईटीआई एग्जाम है आखिर वो कब होने वाली है। दोस्तों तो हाल ही में डीवीटी की तरफ से डीजीटी की तरफ से एक बहुत बड़ा नोटिस अपडेट जाहिर हुआ है दोस्तों कि जो भी अभी जो कोरोना काल के कारण क्या है, किसी किसी राज्य पे जो एग्ज़ाम हो गई थी ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट, पर किसी किसी राज्य में क्या हुआ है, जो फर्स्ट ईयर वाले जो आईटीआई है, जैसे सेकेंड ईयर वाले आईटीआई, जो फर्स्ट ईयर वाले, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ सेम वाले जो है, उनकी अभी तक एग्ज़ाम हुई नहीं थी। दोस्तों जो आखिर अगर इनकी एग्ज़ाम हुई नहीं है तो ये कब होने वाली है, जिसका एनुअल पैटर्न था उनकी एग्ज़ाम कब होने वाली है। अगर आप भी नहीं जाते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए, अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं इसके बारे में जानने की ओर। तो दोस्तों इसमें क्या है, एक डीजीटी की तरफ से नोटिस जारी हुआ था और हाल ही में पेपर में खबर भी आई थी। तो दोस्तों देखिए कि जो भी एग्ज़ाम्स बाकी थे, जिस भी आईटेट रेट की या जिस भी राज्य के आईटेट रेट की किसी भी ट्रेट की एग्ज़ाम जो बाकी थी, वो जुलाई में होने वाली है ऑनलाइन, जो कि ऑनलाइन परीक्षा होने वाली है। दोस्तों हमने थंबनेल में दिखाया था ये ऑनलाइन सीबीटी होने वाली है या फिर ओएमआर, जो कि ऑफलाइन होती है। तो दोस्तों जो ये एग्ज़ाम बाकी थी, जिस भी इसकी जो जुलाई में होने वाली है, जो कि ऑनलाइन पद्धति से ही होने वाली, जैसे अभी जो पिछले साल जो सीबीटी टेस्ट हुई उसी द्वारा अभी जो है आईटीआई एग्ज़ाम होने वाली। दोस्तों तो यहाँ पर दिया हुआ है कि काफ़ी जो क्या बोलते हैं, अभी खास ग्लोबल आईटीआई द्वारा एक मुहिम चलाया गया था ट्विटर पे हैंडल पे कि जो जिन बच्चों की एग्ज़ाम नहीं हुई है उनको प्रमोशन मिले। पर दोस्तों ये सपना रह गया कि सभी सोच रहे थे कि जो सीबीएसई बोर्ड है उन्हें प्रमोशन मिला है इसलिए हमें भी प्रमोशन मिलेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। दोस्तों तो यहाँ साफ साफ लिख दिया है कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर प्रमोट होने का सपना देख रहे आईटीआई के करीब 5 लाख विद्यार्थियों का सपना टूट गया। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। तो महानिदेशक प्रशिक्षण और सेवा योजना ने निजी आईटीआई की मांग को ठुकराते हुए परीक्षा कराने की बात कही है। तो दोस्तों आपकी एग्ज़ाम जो है अगले महीने जुलाई से जो कि होने वाली है। दोस्तों तो जिनकी भी एग्ज़ाम नहीं हुई थी अभी तक, वो कृपया अपनी वापस से तैयारी चालू कर दिए आईटीआई एग्ज़ाम के लिए, जो रेट से रिलेटेड है वापस से तैयारी चालू कर दिए, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम है वो अगले महीने से स्टार्ट, 22 जुलाई से स्टार्ट होने वाली। दोस्तों हम अगर आप चाहते हैं कि परफेक्ट टाइम टेबल क्या है तो हम अगले वीडियो में इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो वीडियो अभी अपलोड होने वाली है उसके बारे में आपको सबसे पहले पता चले। तो दोस्तों यही था कि जो आपकी जो एग्ज़ाम है वो अगले महीने से स्टार्ट होने वाली। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।